इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ये वही लेडी है स्कैरी टीचर, खौफनाक शिक्षक जो कि बच्चों से बहुत ज्यादा चिढ़ती है, छोटी छोटी गलतियों पे भी बहुत ज्यादा मारती थी, पर हम लोग ने इससे अपना बदला ले लिया था। इसके खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला दी थी, इसकी जीभ जला डाली थी और इसका जो हाथ है जिंदा हाथ पूरा माउस ट्रैप में फंसा दिया था, तो दिल को थोड़ी शांति मिल गई थी। बट अभी हमें एक बंदे को और परेशान करके उससे अपना बदला लेना पड़ेगा और वो है इसका बॉयफ्रेंड। हाँ, सच्ची में इस लेडी का बॉयफ्रेंड है, नहीं मान रहे ना, नहीं मेरे को पता मानोगे नहीं, अभी देख लेना, मैं भी नहीं मान रहा था, भाई सच्ची में बॉयफ्रेंड है। और बदला इसलिए लेना है कि वो भी बच्चों से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। मैं फुटबॉल खेल रहा था घर के बाहर, मेरी बॉल उसके घर में चली गई और ये देखो उसने मेरी बॉल वापस देने की बजाय फाड़ दी और हम लोग इसकी अब ऐसी की तैसी करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ सारे के सारे, मिलके ऐसी तैसी करेंगे। तो आज एक सुहाना सा दिन है और शायद इन अंकल जी का चिकन खाने का मन है, लेकिन अंकल जी ये दिन मैं आपके लिए तो बिल्कुल भी सुहाना नहीं होने दूंगा। ओके, तो इसने फिर से कुछ उल्टा बोला है किड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें इसके घर के अंदर घुसना है, इसका मैं डोर ओपन करता हूँ और लकीली गेट ओपन थे। और भाई साहब एक बार आप लोग सामने की तरफ में देखो, इन दोनों के घर इतने ज्यादा बढ़िया क्यों है? स्कैरी टीचर का भी घर महल जैसा था, इसका घर भी सेम टू सेम वैसा ही है, बड़ा सा। चलो कोई नहीं, फटाफट हम लोग पहले चलते हैं यहाँ से लेफ्ट में, यहाँ पर एक पार्टी बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं। वो भाई इसके अंदर गाइस यहाँ पर डायनामाइट्स पड़े हुए हैं, अगर मैं इन डायनामाइट्स को ले जाकर जहाँ पर ये चिकन कुक करने वाला है इसके अंदर मैं डाल दूँ और फिर उसके बाद ये जो कोल है इससे मैं इन डायनामाइट्स को ढक देता हूँ। अब जब ये इसे जलाने के लिए आएगा अपने लाइटर से तो उसके मुँह पे पटाखा बजने वाला है, बहुत गंदे वाला। बट उससे पहले ना गाइस मैं यहाँ से भाग लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे आ रहा भागता हुआ। ओ नहीं नहीं, ओ भाई बच गया क्या मैं? अच्छा मैं चलो भाग निकला सही टाइम पे। और ये आ चुका बेटा, जला जला, पता तो चले गंजी आखिर करा क्या मैंने। इन्हें लाइटर लिया, लेट्स गो। ओ भाई गया, टैनी आके गिर गई सर पे। और ओ भाई इसके ऊपर चिड़िया का घोंसला भी आके गिर गया और ये वही चिड़िया है जिनको ये परेशान करता था। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, अभी मैं इसको और परेशान करने वाला हूँ। तो आज फिर से एक सुहाना दिन है और ये न्यूज़पेपर लेकर इसने गोरिल्ला क्यों पाल रखा है घर के अंदर? भाई अलग ही शौक में जी रही है, ओ इसको परेशान कर रही है भैंस की। अच्छा इसने उसे परेशान करने के लिए पाल रखा है, कुछ ज्यादा परेशान नहीं कर दिया वो भी एक गोरिल्ला को। तो अभी ना मुझे गोरिल्ला का बदला लेने के लिए इसके घर में जाना होगा। तो सबसे पहले भाई इसने लॉक लगा दिया भाई अपने घर में, यूज की हैमर और लॉक पिक टू अनलॉक। तो यहाँ पर एक शॉप है, हम लोग इससे लॉक पिक परचेस कर लेते हैं और अभी इसको हमें यूज करना है। अब शायद से इसका जो घर का गेट है ये खुल जाएगा, तो चलो हम लोग चलते हैं इसके घर में। बट अभी मुझे करना क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उससे बदला कैसे लूंगा। फिलहाल पहले मैं छुप जाता हूँ क्योंकि वो यही कहीं पर होगा, अभी घर के अंदर नहीं गया, वो सामने देखो कपड़े सुखाने कहीं पर गया है। छोड़ो उसको भी हम लोग इग्नोर मारते हैं। हेलो गोरिल्ला, मैं तेरा बदला लूंगा, तू टेंशन मत कर। ओए एक सेकंड, तू मेरे को मारने जा रहा है क्या? भाई मैंने गलती कर दी, मैं उसके ज्यादा क्लोज चला गया। और वैसे एक गोरिल्ला कितना चौड़ा हो गया, उससे रैप्टे रैप्टे खा गया और मेरे को मार रहा है उल्टा। तो गाइस मुझे ना सीधा गोरिल्ला के पास नहीं जाना है, पहले हम लोग घर के अंदर चलते हैं। वो अंकल जी तो यहाँ से जा चुके हैं, मुझे यहाँ पर अगल बगल ना देखना पड़ेगा कि किस चीज के थ्रू मैं उससे बदला ले सकता हूँ। इस टेबल पे काफी सारे सामान पड़े हैं, यहाँ पर एक हैमर है ये ले लेता हूँ, इधर एक लॉक पिक है ये भी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर यूज लॉक टू अनलॉक द गोरिल्ला। ओ अच्छा, जो गोरिल्ला पीछे बंधा हुआ है ये मैं खा लेता हूँ, यूज बनाना टू डिस्ट्रैक्ट द गोरिल्ला। ओके ये बनाना ले लेते हैं। अच्छा अगर हम लोग डायरेक्टली लॉक को अनलॉक करने जाएंगे तो एक गोरिल्ला हमें पकड़ के मारेगा। ले गोरिल्ला तू ये खा पहले, तो जब तक मैं ना उस लॉक को ओपन करता हूँ और अगली बार जब वो इसे परेशान करने आएगा ना तो उसकी बैंड बजने वाली है। लॉक अनलॉक हो चुका है, अभी फटाफट से ना गाइस मैं यहाँ से भाग कर निकल लेता हूँ वरना भाई सीन गलत ही हो जाएगा। और मुझे अभी ना अंकल जी को बाहर बुलाना नहीं पड़ेगा, वो बाहर आ चुका है वो देखो पूरा। मैं पीछे ना छुप जाता हूँ साइड में, वो यहीं से अभी जाने वाला है। ये रहा ये रहा ये रहा। तो गाइस वो देखो अंकल जी गोरिल्ला के पास पहुंचने वाले हैं, मैंने इसके घर का भी गेट बंद कर दिया है। मैं पीछे हो जाता हूँ, पता चला गोरिल्ला छूट के मेरे को ही मारने आ रहा हूँ। ओके ये फिर से आ चुका है उस मचे लेने के लिए। गोरिल्ला ने भाई साहब इसका भूत बना दिया। और ये क्या इसकी हालत? अच्छा उसे कपड़े उतर गए। ओ भाई 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 गोरिल्ला ओपी इन द चैट गाइस, फटाफट से जाओ कमेंट में गोरिल्ला ओपी कर दो। तो गाइस अभी अपना बदला पूरा नहीं हुआ है, वो गोरिल्ला का बदला था, अभी अपना बदला पेंडिंग है। तो के यहाँ पर दो बर्ड्स बैठी हुई है और ये नेबर अंकल जी यहाँ पर स्लिंगशॉट लेकर आ गए हैं और खुद आराम करने के लिए उन बर्ड्स के भाई साहब भगा डाला इसने। भाई 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 ये नहीं सुधरने वाला, ये सिर्फ बच्चों से नहीं ये सबसे चिढ़ता है। चलो कोई नहीं, इस बार भी हम लोग अपना बदला नहीं उन बर्ड्स का बदला लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो फटाफट हम लोग चलते हैं सीधा इस घर के अंदर। और ये अभी सो रहा था और ये उठ कैसे चुका है भाई? ये
ये कुछ भी। चलो कोई नहीं, अभी शायद से दोबारा सोने के लिए जाएगा। स्टार्स कैन बी यूज टू बाय हिंट्स। ओके, तो भी मुझे ये स्टार कलेक्ट करना है। हिंट्स हेल्प यू इन गेम, टैप टू सी देम, रिवील हिंट। तो ओके गाइस, अभी हमें हिंट मिला है फाइंड शुगर क्यूब्स जार। ओके, तो शायद से मुझे पहले शुगर क्यूब्स जार ढूंढने हैं, उसके बाद हम लोग उसके थ्रू इसे परेशान कर सकते हैं। बट वो मैं ढूंढूंगा कहां से मुझे नहीं मालूम। एक तो इसका इतना ज्यादा बड़ा घर है, मैं इसके अंदर ये छोटे से शुगर क्यूब्स जार कहां पर ढूंढूंगा पता नहीं। चलो कोई नहीं, चलते हैं इसके घर के अंदर। शायद से किचन के अंदर शुगर होना चाहिए, सीधी सी बात है, शुगर किचन के अंदर ही होता है। मैंने डोर बेल क्यों बजाया है भाई, मैंने डोर बेल क्यों बजाया? भागो यहाँ से, वो शायद से गेट खोलने के लिए आएगा। मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं उसको परेशान करने के लिए, उसे तंग करने के लिए उसके घर में जा रहा हूँ। यहाँ पर एक हैमर पड़ा, ये ले लेते हैं। ओहो, ड्रिंक पियेंगे भाई, एनर्जी ड्रिंक, मुझे नहीं मालूम किस काम आने वाले, ले लेते हैं। यहाँ एक और स्टार है, इसको भी लेते हैं, थोड़ी बहुत और हिंट हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही है, इसके थ्रू हम लोग ऊपर जाएं, या फिर यहाँ पर एक गेट है इसके थ्रू। यार गेट वाला रास्ता मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि वो घर के अंदर ही कहीं पर घूम रहा है। यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर। भाई अभी कहीं पता चला वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही था। गेट मैं ओपन करता हूँ, भाई मुझे दिख तो नहीं रहा, मैं आ जाऊँ ना अंदर। अंकल आप हो तो नहीं? नहीं है, नहीं है अंकल जी, यहाँ पर नहीं है। वाला गेट ओपन करते हो। ये क्या ड्रामा है भाई, ये खिलौने क्यों यहाँ पर इसने रखे हुए हैं? बच्चा है ये 1 साल का। ये वाला गेट हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर भी काफी बढ़िया सा रूम है। इधर एक स्क्रू ड्राइवर है, ये मैं ले लेता हूँ। ओहो, एप्पल का, एप्पल नहीं है, नकली है। देखने में आगे से एप्पल का लग रहा था भाई। वैसे अंकल जी ना सच्ची में स्कैरी टीचर की तरह यार बहुत ज्यादा अमीर है। घर देखो यार अंदर से एक बार, कितना ज्यादा तगड़ा है। इतने बड़े बड़े लैपटॉप, कंप्यूटर, पर्सनल जिम रखा हुआ है। भले उसकी बॉडी बिल्कुल भी ना हो, बट यार जिम तो है, वो मैटर करता है अमीरी के लिए। खैर छोड़ो यार, अभी फिलहाल हम लोग किचन ढूंढने में ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से किचन के अंदर ही हमें शुगर मिलने वाला है। और ये भाई यार, इन अंकल के भाई सच्ची में कुछ अलग ही शौक है यार। पता नहीं क्या क्या इसने अपने घर में ला के रखा हुआ है। नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं, क्या पता हमें वहां से कुछ ना कुछ मिले। पर अंकल जी भागते हुए आ रहे। नहीं, भागो भाई, मैं इसको बचू कैसे? मैं, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। फटाफट हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं। भाई जल्दी इस वाले रूम के अंदर मैं घुसता हूँ जल्दी से। भाई बच गए। तो अभी ना गाइस वो सीढ़ियां उतर कर आ रहा है, और मेरे हिसाब से वो इस गेट को खोल के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं अंदर आया हूँ तो वो भी आ सकता है। नहीं, वो नहीं आया। ओह, शायद वो आ गया गाइस, वो मेरे पीछे आ रहा है भागता हुआ। भागो भाई, ये मेरे को नहीं छोड़ने वाला इतनी ज्यादा आसानी से। सामने मुझे यहाँ पर शुगर का जार एक मिल चुका है, और ओ मिल गया हमें शुगर का जार मिल चुका है। फटाफट हमें पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। इन सीढ़ियों पे मैं वापस से ऊपर चढ़ जाता हूँ, वरना ये अंकल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओके, उसको मैंने पागल बना दिया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ, और वापस से भी हम लोग यहाँ से नीचे उतर के चलते हैं उस जगह पे। मैं इसी किसी रास्ते से बाहर निकला था। हाँ, मैं सीढ़ियाँ उतर कर आया था, और मैं इस रूम में शायद से, नहीं ये दूसरा रूम है यार, भूल भुलैया जैसा उसका घर है। और यहाँ पर एक ये सीजर रखा हुआ है, इधर प्लायर्स, क्रोबार। अभी ये क्या मैकेनिक है क्या? हर जगह पर सीजर, प्लायर्स, वायर कटर्स, ये सब रखा हुआ है इसके घरों में। ये देखो लॉक पे क्या काम है। चलो कोई नहीं, हमें शुगर मिल चुके हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये क्या है? ये इसका किचन है। ओके, तो यहाँ पर किचन के अंदर क्या क्या आइटम है? काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी है, हम लोग ले लेते हैं। इस तरफ में एक स्टार पड़ा हुआ है, ये भी मैं ले लेता हूँ। और गाइस देखो, किचन में भी यहाँ पर शुगर पड़ी हुई थी, बट अच्छी बात है हमें बाहर से मिल गई है। अब ऐसा ना हो कि जो बाहर वाली शुगर है ये नकली हो। अंकल जी फिर से मेरे पीछे आ रहे हैं भागते हुए, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके मेन गेट से ही मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी ना मैं अंकल जी के घर से बाहर आ चुका हूँ, और शायद से अभी मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर ये सन बाथिंग के लिए लेटने जा रहा था, और वो जगह सामने ही है। फटाफट अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम इस शुगर का यहाँ पर कैसे यूज करने वाले हैं। और मुझे यहाँ से एक और स्टार मिल चुका है, सारे स्टार्स लूंगा, सारे हिंट यूज करेंगे। तो इस शुगर मैंने यहाँ पर रखी। अच्छा, इस जगह पर हम लोग ने शुगर डाल दी, अभी इससे लेकिन क्या होने वाला है इसको? अच्छा, शुगर डाल के गाइस मैंने उसे ढक दिया है। और यहाँ पर भाई पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट मेरे हिसाब से कोई ना कोई इंसेक्ट आकर से परेशान करेगा। मैं इधर ही चुपचाप से बैठ जाता हूँ, देखता हूँ ये अंकल जी वहां पर जाके क्या करता है। तो ओके गाइस, ये यहाँ पर आकर लेट चुका है, और अभी इसकी बहुत गंदी बैंड बजने वाली है। और ये म्यूजिक देखो भाई, म्यूजिक कितना प्यारा बज रहा है, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ओ भाई, आंट सो रही है क्या? हो रही भाई, चींटियां इतना नहीं कर सकती कुछ भी भाई, इसको उठा के ले जा रही हैं। ओ भाई, लो ये बात, अंकल जी की तो ऐसी तैसी कर दी गई। ओ भाई, इसको तो पूरा पैक वैक कर दिया, कितना मरी गया क्या ये? ओ भाई, सच्ची में बहुत ज्यादा फनी है, कुछ भी हो रहा है इसमें। तो अभी अंकल जी उस ट्रेन पे घूम रहे हैं, मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो। और ये देखो भाई, बच्चा बना पड़ा है भाई, ये 5 साल का।
और ये मिस्टी का बॉयफ्रेंड है भाई, वो भी अगर देख लेगी तो वो भी इस पे हंसेगी एक बार को। नहीं पता नहीं, क्या पता ये दोनों साथ खेलते हो, कुछ कह नहीं सकते। तो भी हमें इसे दोबारा से परेशान करने जाना है, और अब टाइम आ चुका है अपना बदला लेने का। इस बार ही हम लोग अपना खुद का पर्सनल बदला लेने से जा रहे हैं। ये गेट मैं खोलता हूँ, वो देखो ऊपर उसकी ट्रेन पड़ी है। बट यार उससे पहले ना मैं हिंट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। यहाँ पर खड़े होकर हम लोग हिंट लेते हैं। फाइंड फास्ट ग्लू। फास्ट ग्लू से क्या होने वाला है, शायद हम लोग उसके ना ट्रैक पर वो ग्लू लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या पता उसकी ट्रेन जो है फिसल के गिर जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैं इसके घर में इतनी देर से घूम रहा था, मुझे कोई ग्लू तो मिली नहीं। और अभी गाइस मैंने इसका जो ट्रैक है ना उस ट्रेन का, वो चेंज कर दिया है। अगर अगली बार वो आएगा ना तो वो शायद से उड़ के नीचे जा सकता है, शायद ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि ट्रैक पूरा चेंज हो चुका है। अब बस वो दोबारा यहाँ पर ट्रेन चलाने आएगा, वो बात की बात है। हम लोग साथ के साथ फास्ट ग्लू भी यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो इस तरफ में गाइस शायद से इसका बेडरूम है, एंड यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा है, ये मैं ले लेता हूँ। और वो सामने कुछ पड़ा हुआ है, यही है फास्ट ग्लू। ओ मिल गई मिल गई मिल गई, यही है शायद से फास्ट ग्लू। मुझे इसका यूज कहां पर करना है, मेक श्योर ही कांट एस्केप फ्रॉम द ट्रैप। तो मुझे ये ट्रैप बनाना कहां पर है, ये भागता हुआ आ रहा है भाई, भागो 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 भाई, ये तो मेरे पीछे आ रहा है बहुत तेज भागता हुआ। मुझे पहले यहां से नीचे उतरना पड़ेगा, वरना ये मेरा भूत बना देगा भाई। चल 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 अंदर अंदर अंदर, यहाँ पर भी एक फास्ट ग्लू पड़ी हुई है, यहाँ मैं छुप जाता हूँ। नहीं अंकल पागल हो गए होगा बिल्कुल ही भाई, फटाफट ओ तेरी भाई पकड़ लिया। अब तो मैं स्कोर मारूंगा भाई, मुझे पता नहीं था फास्ट ग्लू यूज कहां करनी है, अभी मैं इसको बजाता हूं बैंड। तो चलो गाइस अभी ना हम लोग वापस से इसके घर के अंदर चलते हैं, और अभी देखते हैं कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा। वो फास्ट ग्लू मुझे अच्छे से मालूम है कहां पर पड़ी थी। इसके घर का मैं गेट खोलता हूं, और इसने यहां पर ट्रैप लगा रखा है। इस ट्रैप को ओ मैं हटा सकता हूं इस ट्रैप को, और ये ट्रैप अभी मेरे पास आ चुका है। चलो ठीक है अभी हम लोग इसको फंसाएंगे इस ट्रैप में। पहले मैं चलता हूं इस कमरे में, एंड यहां पर ओ मेरे को मिल गई गाइस फास्ट ग्लू, वो जो नीचे वाले फ्लोर पर दिखी थी ना वो यही वाला रूम था। इसको भी हम लोग उठा लेते हैं, बट ये यूज कहां करने है मुझे ये देखना पड़ेगा। ओ भाई इस तरफ में बेसमेंट में कुछ एंट्रेंस आ रही है, वो भाग का शायद आ रहा है। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगाऊं कैसे इसे मैं, वो लग गया लग गया लग गया लग गया, प्लीज सही से काम करे। ये वो भाग कर आ कहाँ से रहा है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा। ये सस्पेंस वाला म्यूजिक बंद करो भाई, बेमतलब डरा रहे हो भाई भाई भाई, बेमतलब डरा रहे थे भाई ये लोग मेरे को, वो कुछ कहने भी नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं उस रूम से बाहर आ चुका हूँ, हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, और देखते हैं इस फास्ट ग्लू का यूज हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसको चेंज करा था, और अभी दोबारा से मैंने इसे चेंज कर दिया है। बट ये फास्ट ग्लू मेरे हिसाब से ना इसकी ट्रेन में कहीं पर यूज होने वाली है। इधर होगी क्या कहीं, ओके यहीं पर वो यूज होनी थी। ये हो चुका, फाइंड समथिंग टू लूजन द ब्रेक। अच्छा अभी इसके में ब्रेक खराब करने के लिए कुछ ढूंढना है, तो ब्रेक तोड़ने के लिए हैमर चलेगा। हैमर मेरे को दिखा था क्योंकि कहीं ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से हो जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है। भाई सच्चे में ये मैकेनिक वाला सारा सामान इसके घर में हमारे लिए लगा हुआ लग रहा है, इसको लगाते हैं। ओ भाई अभी इसकी ब्रेक तोड़ने के लिए भी हमने सामान लगा दिया है। रन बिफोर द नेबर्स कम। ओके मेरे को भी यहां से भागना पड़ेगा जल्दी से कहां पर छुपूं मैं, वो ऊपर आएगा तो। भाई एक काम करता हूं, इसकी अच्छा बालकनी से तो ये नीचे गिरने वाला है, हम लोग यहाँ छुप जाते हैं, ये रूम मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ है। तो ओके गाइस अभी ना बस हमें यहाँ पर चुपचाप से खड़े होकर उस कैमरे में देखना है। और अभी वो देखो अंकल जी वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुके हैं, और शायद से ट्रेन पे वापस बैठने जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। और इस बार ही अपना बदला एकदम मस्त पूरा होने वाला है। ओके अच्छा वो भी ट्रेन पर बैठा है ना, उस ग्लू से ओ भाई गया, उस ग्लू से उसका पिछवाड़ा उस इंजन से चिपक चुका है, और हमने ट्रैक चेंज कर दिया था, वो उड़ के सीधा नीचे आके गिरा भाई मुंह के बल। भाई 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 यार इतना भी परेशान नहीं करना भाई, क्यों भाई क्यों नहीं करना, अभी तो इसे और परेशान करेंगे। ओके तो ये अपनी शॉटगन लेकर उसी वाले रूम में आया है जहां पर हम लोग लास्ट टाइम छुपे थे। और ये क्या खाली पीले का शो ऑफ, पागल है क्या ये बिल्कुल ही। अच्छा उन एनिमल्स को दिखा रहा है, ये देखो मैं तुमसे कितना ताकतवर हूँ। उसके पास कोई बहुत तगड़ी शॉटगन है, और उसने उसे किसी लॉकर में रख दिया है। ओके फाइंड द नेबर्स गन, हमें उसकी गन क्यों ढूंढनी है भाई, इस बार ही हम लोग उसको जिंदा मारने वाले क्या। नहीं यार मारना तो नहीं चाहिए, भले ही थोड़ा चिढ़ता हुआ बच्चों से, बट यार मारना नहीं होगा। चलो चलते हैं, मेरे को जहां तक याद है वो रूम लेफ्ट साइड में ही था, ऊपर चल के वो तो मालूम पड़ जाएगा। चलो 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 लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर, ये वाला रूम ही था शायद से वो जहां तक मुझे याद है। हाँ यही रूम है, फटाफट से हम लोग इसके अंदर चलते हैं। वो इन एनिमल्स को डरा रहा था, इन टाइगर वगैरह को। नहीं यहाँ पर टाइगर तो है, टाइगर है। फिर उसके बाद उसने अपनी गन्स को लॉकर में रख दिया था। लॉकर कहाँ पर होगा यार, वो रूम अलग जगह है। अच्छा ये तो रहा लॉकर, इस लॉकर का पासवर्ड डलेगा क्या इसमें,
मुझे पासवर्ड नहीं मालूम। पासवर्ड कहाँ से मिलने वाला है यार मुझे, ये ढूंढने के लिए ना हिंट देखना पड़ेगा शायद से। इधर कुछ लिखा है क्या पासवर्ड वगैरह? पहले तो यार मैं ये वाला गेट बंद कर देता हूँ और अभी ना मैं हिंट यूज करता हूँ ताकि मुझे पता चले पासवर्ड कहाँ पर है। हमें एक स्टार बर्बाद करने के बाद हिंट मिला है, नेबर हाइड हिज गन्स इन हिज लॉकर्स, हाइड भी नहीं हिड। वाह बहुत सही भाई बहुत सही। इस मेरे को तो पता ही नहीं था कि लॉकर में है, लॉकर हमें मिल भी चुका है। और यार अभी मुझे ना और हिंट देखने के लिए मुझे स्टार्स यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे या फिर मुझे वो पासकोड ढूंढना पड़ेगा। कहीं लिखा है क्या इसके अंदर पासकोड? क्या पता ये क्या है? ओ ये रहा कोड 9437। भाई 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 तुम्हारा भाई ढूंढ देता भाई चीजें। वो आया नहीं नहीं भाई 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 भागो भागो भागो। ओ जो फंस गया वो खुद फंसा हुआ है। भागने दो। माइनक्राफ्ट स्पिरिट रन की स्पीड में मैं अभी भाग रहा हूँ, जंप मारता हुआ फुल। ये देखो भाई जल्दी मेरे पीछे आ रहा है भाई साहब, वो बहुत तेज दौड़ता हुआ। मैं कोड भी भूल चुका हूँ। ओ तेरी, मैं ऊपर से कूद गया हूँ, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। बट एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे वो ड्रिंक्स वगैरह पीनी पड़ेगी। वो सीढ़ी उतर कर आ रहा है। आंदो भाई, फटाफट से भी हम लोग वापस ऊपर चल लेते हैं। अलग ही हो चुका है। सीढ़ी उतर कर आ रहा है, लेट्स गो। मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये सस्पेंस वाला म्यूजिक बंद करो। हाँ थैंक यू भाई। ये डराते रहते भाई ये म्यूजिक भी, मतलब में कोड मेरे को मिल गया था अभी जल्दी से। हम लोग यही रूम था ना शायद? हाँ यही रूम था। नहीं ये रूम थोड़ी था यार, ये रूम नहीं था, वो वाला रूम था। चलो लेट्स गो। देरी नहीं कर रही, इस रूम में जाना है, फिर हमें इसको बंद करके इस रूम में जाना है, फिर इस रूम में जाना है। ये बंद करा एंड ये मेरे को कोड मिला था। अरे हटो यार, कोड क्या है? 9437। तो अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग इस कोड को यहाँ पर डालते हैं और इसकी गन निकालते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। एंड कोड था 94। ये यार कितना अजीब सा डी पैड है, 9437। एंटर। ओके तो यहाँ पर तो भाई एक नहीं दो गन्स पड़ी है। टैम्पर विद द शॉट, मैं गन्स उठाऊंगा कैसे? अच्छा पहले हमें ये लेना पड़ेगा, फिर हमें एक गन मिलेगी। इसके अंदर अभी ये डल चुका है और हमें इसकी एमो लेनी है। अच्छा भाई मुझे नहीं पता क्या होने वाला, मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? अभी शायद से ये एमो हमें इसके अंदर लोड कर देनी है। चलो ठीक है, अब क्या करें, निकलेगा यहाँ से? तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। जब वो एनिमल्स को गन फेक चला कर दिखा रहा था ना वैसे ही मजे लेने के लिए। और ये देखो अभी ये आ चुका है अपने रूम में। और एक सेकेंड गाइस, लास्ट टाइम तो मैंने उसका गन का लॉकर ही खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे मालूम पड़ गया कि इस रूम में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और उसने गन चलाई नहीं। तो अभी ना हमें करना क्या है, वो जो गन है ना उसके हाथ में ब्लास्ट करवानी है। तो गन के आगे अगर हम लोग कॉर्क लगा देंगे ना तो फिर वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ना गाइस एक आइटम है जो कि हमें चाहिए होगा। ये मैं सब कुछ देख कर आया हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी देर से आखिर करना क्या है। इसको भी हमें इस बॉटल पे मारना है ताकि इसका जो कॉर्क है ना वो बाहर निकल जाए। और अभी इस कॉर्क को हमें लेकर चलना है उसमें लगाने के लिए। फटाफट से चलते हैं। अंकल जी नहीं, इस बार ही छोड़ दो भाई, ये बाहर ही था। एक सेकंड भाई रुक जाओ, इतना बड़ा घर तूने बनाया है ना, कसम से पकड़म पकड़ाई खेलने में अलग ही मजा आएगा। आजा भाग के। बढ़िया है सही है। अभी हम लोग बच के आ गए हैं। मैं दूसरी स्टेज चढ़कर ऊपर जा रहा हूँ। और भाई तेरी फ्लास क्यों नहीं फूल रही? पिछली बार तो इतने में टाइम बोल गया था, बट अभी ये भुगता हुआ आ रहा है भाई मेरे पीछे। ये देखो पूरे बराबर स्पीड में दौड़ रहा है। लग रहा भाई अंकल जी सनक गए हैं, इस बार ही मेरे को नहीं छोड़ेंगे। बट कोई नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाला। फटाफट से भी हम लोग चलते हैं सीधा इस वाले रूम में। यही अपना मेन रूम था ना, मामला एकदम शांत हो चुका है। कोड अभी फटाफट से इसके अंदर मेरे को डालना है। एंड कोड था 19 सेकंड कोड गलत डाल दिया मैंने, 9437 ऐसी कुछ था। प्लीज यार यही कोड होना चाहिए। ओके कोड बिल्कुल सही था। तो इस गन के अंदर ना हमें एक कॉर्क को लगाना है। कॉर्क लग चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें लगानी है बुलेट। तो गाइस देखो अभी ना जहाँ से वो बुलेट निकलनी थी ना उस छेद को हमने बंद कर दिया है। गन इसकी पूरी की पूरी मैंने रीलोड कर दिया है। अभी फटाफट से हम लोग इसे बंद कर देते हैं। अब जैसे ही इस गन को यूज करेगा ना, गन इसके हाथ में ब्लास्ट होने वाली है। बट यार ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बंदे का हाथ ही कट के गिर जाए असली जिंदगी में तो। बाकी इस अंकल जी का पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी ना बस मुझे यहाँ पर खड़े होकर वेट करना है कि कब अंकल जी उस रूम में जाते हैं और उस गन को ले लेते हैं उस लॉकर से। और ये देखो भाई ये गन को लेकर आ चुका। ओके चुप, मैं चुप हूँ, पूरा चुप हूँ इस टाइम पर। दिखा तू क्या ड्रामेबाजी करता है। ओके नहीं, बर्ड पे मारने जा रहा है। लेट्स गो, कर दे फायर कर दे, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं पूरा एकदम सही हूँ इस टाइम पर। लेट्स गो, कि भैंस के सर पे कैसे फटी लेकिन भाई जो भी हो बहुत ज्यादा गलत सीन हुआ है इसके साथ।
तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मिस्टी एंड उसके बॉयफ्रेंड स्कैरी स्ट्रेंजर को और भी ज्यादा तंग करूं तो फटाफट से जाओ यार कमेंट में बताओ। और हाँ यार, जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 3 मिलियन लाइक के लिए। मुझे नहीं पता मैं इतना बड़ा एम क्यों कर रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार फटाफट से। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन यार, आप सभी लोगों ने तो भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करवा दिए, लव यू ऑल। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार जिसने सब्सक्राइब नहीं करा। बस यार आप सभी का प्यार है और कुछ नहीं चाहिए। गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।